सो है व्हाट इज़ अप गाइस, तो कैसे हो सारे लोग। तो गाइस जैसे कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल एमुलेटर 0.12.5 का लैग फिक्स इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ और दो स्टेप से गाइस आपको सिर्फ फॉलो करना है। और ये जो वीडियो एकदम शॉर्ट में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप शॉर्ट में वीडियो देख के ये लैग फिक्स करें। सो सबसे पहली बात आपको क्या करना बता रहे, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं आपको कुछ स्टेप्स होता हूँ आपको फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट वाली स्टेप आपको क्या करना बता रहे, तो गाइस आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, ठीक है। ये सेट प्रायोरिटी वाली जो ट्रिक है गाइस, ये हर बंदे को करना पड़ेगी क्योंकि यही मेन एक बेस रहेगा मैं बोलता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाया और उस वीडियोज़ में वो काम नहीं करती, मतलब कि अपने सेट प्रायोरिटी नहीं किया और बाकी आप सेटिंग कर बैठे तो कुछ नहीं होगा, आपको सेट प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, इधर जो टेंशन गेमिंग बड़ी लिखा है उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके आपको गो टू डिटेल्स करना है, और इधर जो फर्स्ट वाला एंड्रॉयड एमुलेटर .exe दिख रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको सेट प्रायोरिटी में जाके रियल टाइम चेंज कर लेना है, ठीक है। अभी ये रियल टाइम हो गया है, ठीक है, अभी इसकी हमने प्रायोरिटी चेंज कर दिया। अभी आपको सेटिंग में जाना है गाइस, सबसे पहली बात सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, इंजन में जाना है। इंजन में जाने के बाद आपको इधर सॉरी गेम में जाना है। गेम में जाने के बाद इधर आपको HD एंड अल्ट्रा HD ऐसे दिखेगा, तो आपको HD 1080p करना है और इसको सेव करके ओके करके इसको आपको रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अभी ये मेरा OBS चालू है तो हम इसको करते रिस्टार्ट, यहाँ से भी इसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है, इसको क्वाइट कर देना है और फिर से हमारा पबजी मोबाइल एमुलेटर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं माई गेम्स में जाके इसको ओपन करता हूँ, तो आप देखो आपको कैसा लैग फिक्स दिखेगा। एकदम इजी वे है गाइस, इजी स्टेप्स आपको फिर से फॉलो करने की थी। अभी मैं आपको गेम चला के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने PC लगाया है तो गेम थोड़ा सा हाँ मैं एक बात बता रहा हूँ गाइस, जब आप गेम लगाओगे तो फर्स्ट वाला गेम हर एक एमुलेटर वाले का मतलब हर एक एमुलेटर का फर्स्ट वाला गेम थोड़ा लैग करता है, तो वो कैसा होता है मालूम गाइस, वो थोड़ा रैम क्लियर करता है तो उसकी वजह से फर्स्ट वाला गेम लैग करेगा, डोंट वरी। तो ये गेम चालू होने जाए तब तक हम ये वीडियो स्किप कर लेते हम। तो गाइस जैसे कि ये वाला गेम अभी हमारा ओपन हो चुका है और आपको थोड़े से बड़े बड़े दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने 1080p किया, मैंने आपको बोला 1080p करने के बाद आपको थोड़ी जो ग्राफिक्स क्वालिटी थी वो भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपको थोड़ा सा स्मूथनेस दिखेगा। हम अभी FPS ऑन कर देते, ठीक है, और मैं आपको एक गेम में जाके दिखा देता हूँ। तो अभी देखो मेरे 40 FPS आ रहे हैं, ठीक है, तो अर्केड में जाता हूँ। अभी क्या गाइस मेरा OBS भी चालू है, उसकी वजह से आपको 10-15 FPS ड्रॉप हो जाएंगे, बट मैं विदाउट क्लास मतलब सॉरी विदाउट OBS और विदाउट क्रोम, ठीक है, सिर्फ मल्टीटास्किंग में बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ अपने पबजी मोबाइल एमुलेटर की विंडो ओपन रहती है तो मेरे 60 FPS देते। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं देता, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो या व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्वाइन करने के बाद आपको मैं उधर पता चल जाएगा कि मैं उधर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप उधर से देख लें, ठीक है। तब तक मैं अभी लगा रहता हूँ गाइस स्नैपर ट्रेनिंग, ठीक है, स्नैपर ट्रेनिंग के मैच में लगा रहता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट, और फिर आप देख लेना कितने FPS देते। मान लीजिए उतने FPS नहीं दे तो भी मैं गारंटेड बोलता हूँ एकदम गारंटी से कि ये काम करता है और ये काफ़ी अच्छा मतलब सेटिंग है। और आपको मेरी मेन सेटिंग देखनी है वो भी आप देख सकते हैं, मैं आपको मेन मेरी सेटिंग भी दिखा देता हूँ, तो आप वो भी सेटिंग देख लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे। देखो मैंने रेंडरिंग इधर जो है डायरेक्ट एक्स रखा है, उसके बाद इधर जो चार टिक होती है उसमें से एनफोर्स ग्लोबल रेंडर कैच मैंने अनटिक कर दिया, एंटी अलाइजिंग बंद कर दिया है, मेमोरी जो है अपने ऑटो पे रखी है, प्रोसेसर ऑटो पे रखी है, रिजोल्यूशन मेरे जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं मोनिटर वही रखा है, DPI 160 रखे। गेम में जाने के बाद मैंने सिर्फ HD कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया गाइस। सेट प्रायोरिटी आपको करना है, हर बार आपको ये करना है, ठीक है। अभी ये जो 1080p किया है वो हर बार नहीं करना पड़ेगा, बट सेट प्रायोरिटी जो है आपको हर बार करनी पड़ती है गाइस, तो आप उतना ध्यान में रख के करिए कि सेट प्रायोरिटी आपको बिल्कुल भी आपको करनी है और बिल्कुल आपने नहीं किया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी देखो मेरा PC भी हैंग हो गया, PC ने एक्चुअली में ये गेम ही पूरी विंडो हैंग हो चुकी है, देख सकते हैं 0 FPS आ रहा है। अभी जब मैं गेम में जाऊँगा तो थोड़ी रेंडरिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो मैं ये भी इस वीडियो स्किप कर लेता हूँ, इतना पार्ट स्किप कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं गेम में हूँ और गेम काफ़ी स्मूथ चल रही है 1080p पे, और देख सकते हो आप 39, 41, 40, ये मैं 100% गाइस बताता हूँ आपको मेरे 59 FPS देते हैं। अभी OBS ऑन इसके वजह से आपको नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए या हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उधर मैं ज़रूर बताऊँगा, मैं उधर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, लगे तो एक मैं वीडियो भी डाल दूँगा डायरेक्टली मोबाइल से वीडियो करके आपको उधर मैं अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। तो
यही है हमारे ट्रिक, जो कि सेट प्रायोरिटी करके आपको टेरेटीपी करके आपको गेम खेलना है एकदम इजीली, और बहुत दूर जाना इसमें भाई, आराम से बहुत लैग फिक्स हो जाएगा। सो डोंट वरी गाइस, और इफ वीडियो को आपने देखने के बाद आपको लैग फिक्स हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमारे 3K फैमिली हो चुकी है। थैंक यू सो मच गाइज। और हमारी जो पहली लैग फिक्स वाली वीडियो थी उसने 64,000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। You're passing through me, the blood is